Hey guys, how are you? One more video for you. और आज का जो वीडियो है थोड़ा यूनिक है और आप लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि थोड़ी डिटेल रिसर्च के बाद मैंने ये बनाया है। और मुझे किसी ने पूछा था एक्चुअली कि अगर हम इंडिया में रह के यूएस में इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं। मैंने सोचा बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेट अस गाइड यू हाउ यू कैन डू दैट, राइट। और इंडिया में चार बड़े फंड हाउस हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, मीरा एसेट एंड एसबीआई एज वेल, राइट। मोतीलाल भी करता है बट उतने प्रपोर्शनेट में नहीं करता है। सो ये चार फंड हाउस है जो रिग्रेसली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत क्लोज वॉच रखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। अगर आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है इंडिया में रहकर यूएस में, तो आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। चलो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, मैंने आपके लिए जो थोड़ी डिटेल निकाली है, ठीक है। तो बेस्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो आप 2022 में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आर इक्विटी फंड्स दैट आर प्रीलिमिनरी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडिया के बाहर कंपनीज है, जैसे एप्पल है, गूगल है, फिर टेस्ला है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे स्टॉक्स है। अगर आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट वहां का एक अकाउंट खुलाओ, ठीक है, जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एक्सिस डायरेक्ट प्रोवाइड करती है, पर उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन है तो वो है फंड्स ऑफ फंड्स या तो फिर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो जिसका एक्सपोजर लगभग 32,000 करोड़ के आजू बाजू है यूएस के, इंडियन इक्विटी फंड्स जो बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, ठीक है। सो इसमें रिस्क भी रहता है काफी कुछ है, मैंने ये पैराग्राफ में बताया यहाँ पे, बाय टेकिंग हायर रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स इन दिस आर्टिकल वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स अलोंग विद इट्स फ्यूचर्स टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस एंड बेस्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो कौन से म्यूचुअल फंड है इन्वेस्ट करने, जैसे मैंने एक स्क्रीन बनाई है, तो ये सारी कंपनीज है जो उसमें इन्वेस्ट कर रही है, और जो फंड्स हैं वहां पे नोट डाउन कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। पॉपुलर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, मैंने इसका पोर्टफोलियो भी बना दिया है, इसका पोर्टफोलियो आपको देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे देख सकते हो। दूसरा एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड जो नैसडेक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, जैसा कि मैंने कहा फंड्स ऑफ फंड्स के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड, फंड्स ऑफ फंड, डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड, और पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये सारे छह फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया में रह के यूएस के मार्केट्स में, ठीक है। सो इसमें बिना डरे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि एसआईपी में फियर जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एकदम से तो मार्केट नीचे जाने वाला है नहीं। और दूसरी एक बात, अभी क्यों इन्वेस्ट रिग्रेसली यूएस मार्केट्स में करना चाहिए, क्योंकि जो भी खराब न्यूज थे वो थोड़े फिजल आउट होते लग रहे हैं, और अभी ये जो टाइम है वो शायद अपस्विंग का है, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन आया था, उसके बाद एक अच्छा अपटिक आ सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और एसआईपी में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आपका बजट है, 2,000, 3,000, 500, 10,000, 20,000, जो भी आपका बजट है, आप उस हिसाब से इसमें एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इंडिया में रहेंगे, अगर यूएस की टेक्नोलॉजी के बिना पूरा वर्ल्ड चलने वाला है नहीं, तो आप वहां के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो कभी उतना पैनिक होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो जो बेस्ट रेटेड फंड्स है जिसमें अच्छा रिटर्न निकला है वो भी मैंने आप लोगों के निकाला है, तो पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है, जिसको टॉप रैंक दिया गया, 3 साल का रिटर्न 9 से 9.5 से 7.5% का है, कोटक ग्लोबल इमर्जिंग इक्विटी फंड जो 3.4 से 3.9% के बीच में है, आदित्य बिरला सन लाइफ इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड जो 9.8 से 3.9 के बीच में रिटर्न है, एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड जो 2.1 से 9.1 रिटर्न के बीच में है, तो मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 फंड्स ऑफ फंड्स, ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 फंड में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसका रिटर्न आप देख सकते हो 6.9 से 17.9 के बीच में है, ठीक है। डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड जो भी माइनिंग कंपनीज है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, माइनिंग कंपनीज जो लिस्टेड है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, टॉपिंग 18 टू आप देख रहे हो, ये 16.9 और 17.9 इसमें ज्यादा रिटर्न है, ठीक है। और एक एडलवाइज यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड, सो ये सारे फंड्स हैं जिसमें आप इंडिया में रह के यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं प्रीफर करूंगा फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो मोतीलाल ओसवाल का एक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ ग्लोबल इमर्जिंग इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड,
कि आप दो फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। अगर आपका 10,000 का बजट है, 5,000 इसमें डाल सकते हो, ठीक है। एनीवेज, आपको अगर अच्छा लगा हो कि ये थोड़ा रिसर्च करके मैंने आपको बताया और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया में रह के बाहर के मार्केट्स में, तो आप इसको, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, डू शेयर इफ यू फील इट्स यूजफुल, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टिल देन।